कांगड़ा जिला मुख्यालय के धर्मशाला के समीप तपोवन में विधानसभा भवन में शीतकालीन सत्र 9 से 14 दिसंबर तक आयोजित किया जा रहा है, लेकिन पुलिस 7 दिसंबर से ही यहां पर मोर्चा संभाल लेगी। सत्र के दौरान चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के मद्देनजर 750 पुलिस जवानों की तैनाती की जा रही है। वहीं धर्मशाला को जोड़ने वाले मार्गों पर भी नाकाबंदी शुरू कर दी जाएगी। तपोवन के आसपास लगते ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को आने के लिए अस्थायी पास भी बनाए गए हैं, जिसके लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जिला मुख्यालय धर्मशाला के समीप तपोवन स्थित विधानसभा भवन में शीतकालीन सत्र के लिए 7 दिसंबर को पुलिस जवान मोर्चा संभाल लेंगे। सत्र के दौरान चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के मद्देनजर 750 पुलिस जवानों की तैनाती की जाएगी। वहीं धर्मशाला को जोड़ने वाले मार्गों पर नाकेबंदी भी की जाएगी। शीतकालीन सत्र का आयोजन 9 से 14 दिसंबर तक किया जाएगा। तपोवन के आसपास लगते ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को आने जाने के लिए अस्थायी पास बनाए जाएंगे, जिसके लिए प्रक्रिया पुलिस द्वारा पूरी की जाएगी। तपोवन में 9 दिसंबर से शुरू होने वाले विधानसभा के शीतकालीन सत्र के लिए 7 दिसंबर को शहर में पुलिस फोर्स तैनात की जाएगी। नगर निगम धर्मशाला के साथ लगती रसना पंचायत समेत अन्य पंचायतों के लोगों के लिए सिद्धबाड़ी स्थित जोरावर स्टेडियम में अस्थायी पास बनेगी, ताकि उन्हें सत्र के दौरान आवाजाही में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। 13वीं विधानसभा के शीतकालीन सत्र के लिए पुलिस प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। 10 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक DSP रैंक के अधिकारी भी होंगे और ये सुरक्षा की मुख्य कमान संभालेंगे। SP जिला कांगड़ा विमुक्त रंजन ने बताया कि 7 दिसंबर को पुलिस फोर्स धर्मशाला पहुंच जाएगी। करीब 750 पुलिस कर्मी सुरक्षा की कमान संभालेंगे। स्थानीय लोगों के लिए जोरावर स्टेडियम में ही अस्थायी पास बनाने की सुविधा मुहैया करवाई जाएगी। स्थानीय लोगों को ट्रैफिक के दृष्टिकोण से हम लोगों ने प्रॉपर डिप्लॉयमेंट का प्लान बनाया है, ताकि क्योंकि विधानसभा सत्र के दौरान शिमला से बाहर से काफ़ी गाड़ियां आती हैं और शहर की जो ट्रैफिक का जो वॉल्यूम है वो बहुत बढ़ जाता है, उसके लिए सारी व्यवस्था तैयार कर ली गई है। इसके अतिरिक्त रिस्ट्रिक्शंस सिर्फ तपोवन रोड जो है और वहाँ से जो आगे जाने वाले लोग रहते हैं विधानसभा से आगे, उनको थोड़ी बहुत परेशानी को देखते हुए हमने वहाँ जो ग्राम पंचायत है वहाँ उनका भवन है वहाँ पर एक कंट्रोल रूम स्थापित करने का निर्णय लिया है, और वहीं से ऑन द स्पॉट जो भी व्यक्ति आगे जाने वाला होगा उनको परमिट प्रॉपर इशू करके, ताकि उनको किसी तरह की असुविधा ना हो और अपने घर तक जा पाएं, ऐसी व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। रूटीन में तपोवन में जहाँ पंचायत घर है उससे आगे किसी भी तरह की जो ऑथराइज्ड गाड़ियां हैं जिनके ऊपर विधानसभा के स्टिकर्स होंगे, बाकी अन्य गाड़ियों को जाने की अनुमति नहीं होती है, लेकिन जो ग्रामीण विधानसभा से आगे के क्षेत्रों में वहां रहते हैं उनके लिए हमने परमिट की सुविधा देने का निर्णय किया है, ताकि किसी तरह की सुविधा उनको ना हो। ये परमिट सर कब से बनने शुरू हो जाएंगे? कुछ लोग हमें यहाँ अप्लाई कर रहे हैं, चिन्मय तपोवन ट्रस्ट वालों ने हमें ऑलरेडी अप्लाई कर दिया है, और जो वहाँ के लोकल लोग हैं अगर अभी हमें अप्लाई करेंगे तो हम अभी भी उनको दे देंगे, मेरे यहीं ऑफिस से मिल जाएंगे, और अगर वो उसी समय स्पॉट पे लेना चाहेंगे तो 8 तारीख से वो हमारा कंट्रोल रूम वहाँ इस्टेब्लिश हो जाएगा और उसके बाद से उनको वहीं से परमिट स्पॉट से ही मिलने शुरू हो जाएंगे। थैंक यू सर।